हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एफ में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम वीडियो थोड़ा ड्यूरिंग द मार्केट में एक स्टॉक्स है जो कि मुझे नजर आ रहा है काफी अट्रैक्टिव और अगर हम यहाँ से लेते हैं और उसे अगर थोड़ा सा और गिरता है बाय ऑन डिप्स करके अगर हमसे उस शेयर को खरीदते हैं तो जो हमारे टारगेट थे उससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी अपर सर्किट में चल रहा था अपर सर्किट खुल के नीचे आ चुका है और मुझे लगता है कि अच्छा खासा गेन यहाँ मिल चुका है आई हैव ऑलरेडी बॉन्ड दैट स्टॉक जो कि मार्केट में अभी चल रहा है uh, तो उसी स्टॉक से रिलेटेड बातें करेंगे बट बिफोर द वीडियो में आगे बड़े रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें शेयर करे फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस तरीके की वीडियो डेली बेसिस पर मिलती रहे प्ले लिस्ट को गो थ्रू करिए इन वीडियोस को जाके देखिए ओके okay, यहाँ पर आपको का, काफी कुछ सीखने को मिलेगा प्ले लिस्ट को गो थ्रू करके करेंगे तो वहां पर देखिए मार्केट में डरने की जरूरत नहीं होती मार्केट करके गिरने की डर जरूरत नहीं होती मार्केट आपको उसी तरीके से रिवॉर्ड करता

तो आप यहाँ पर आ, कमेंट करिए और अगर किसी को पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कराना है तो यहाँ पर अबाउट में जाएंगे तो हमारी ईमेल आईडी है नीचे वहां पर जाके आप आ, मेल कर सकते हैं तो यहाँ पर आपकी पूरी हेल्प की जाएगी तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं तो जिस स्टॉक से लेटे हम बात करने वाले हैं उसका नाम पहले बता देता हूँ मैं आपको उसका नाम है गोदावरी पावर एंड इस बात लिमिटेड इस कंपनी की अगर मैं बात करू तो सबसे पहले हम इस कंपनी से रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर पैरामी पढ़ लेते हैं तो आपको पता चलेगी देखिए यहाँ पर मैन्युफेक्चर पैलेट स्पॉन्ज आयरन स्टील पायलेट्स वायर रोड एच बी वायर एंड फेरोस एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो मतलब ये अलग अलग तरीके की वायरस बनाता हुआ दिखाई देता है माइनिंग ऑफ आयरन ओर में कंपनी काम करती हुई नजर ती है तो कहने का मतलब क्या है कहने का मतलब सिंपल है कि भारत देखिए जो भी इशू आ रहे हैं या मेटल के शेयर यहाँ पर गिरते हुए नजर आ रहे हैं डजेंट मैटर यहाँ पर ये अभी और रैली चलने वाली है इंफ्रास्ट्रक्चर का भारत में बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है ओके okay, अभी इफेक्ट पड़ रहा है बट आगे चल के शायद बिल्कुल भी इफेक्ट ना पड़े यहाँ पर थोड़ा सा इसकी तरफ ध्यान दीजिए ये बिजनेस इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए कंपनी टू कैप्टिव माइन्स यहाँ पर डोंगरी माइन्स एंड बोरिया टिपू यहाँ पर माइन्स में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है एक बार इससे रिलेटेड और

फेज वन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑपरेशन शेयर फोर्टीन से ही यहाँ पर काम कर रहा है फिक्स uh, प्राइस तो क्या क्या करती हुई नजर आती है तो पावर uh, सेक्टर में ग्रीन uh, एनर्जी में एज वेल एज हम बात करें यहाँ पर ये आयरन ओर्स और मेटल्स में कंपनी काम करती हुई नजर आती है यहाँ पर इनकी कंपनी के पास जाके इनकी वेबसाइट पर जाके आप एक बार इनके रिलेटेड बहुत सारी चीजें यहाँ पर देख सकते हैं एच बी वायर किस काम आती है उससे रिलेटेड आपको पता चल जाएगी पैलेट्स क्या काम आते हैं उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर न्यूज मिलती हुई नजर आएगी तो एक बार यहाँ पर जाके आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर यहाँ पर चीजें दे रखी है।

बात करी थी इस पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड एक शेयर के बदले मिलेंगे ए, पर देखिए एक शेयर शेयर के मिलेंगे तो, तो यहाँ पर देखिए अभी उस, उस दिन जब हमने करी थी तो तो अपर सर्किट लग गया था तो भागेगा उससे रिलेटेड हमने यहाँ पर बातें करी थी इस शेयर में तो देखिए अब थोड़ा सा और चेंज हो गया यहाँ पर स्प्लिट तो मिलेगी यहाँ पर बोनस भी मिलता हुआ नजर आएगा शेयर में तो जिससे रिलेटेड हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर बोनस यहाँ पर देखिए स्टॉक स्प्लिट चौदह तारीख को यहाँ पर आ, यहां पर न्यूज है देखिए पर गोदावरी पावर इस बात तो यहाँ पर आ, देख सकते हैं एक्सचेंज बोर्ड ऑफ मीटिंग हेल्ड ऑन इतने मतलब अगर बात करें यहाँ पर स्प्लिट uh, होता हुआ दिखाई देगा आपके पास एक शेयर है तो आपको एक शेयर और मिलता हुआ नजर आएगा तो इस तरीके से यहाँ पर ये स्प्लिट हो जाएगा इसके अलावा यहाँ पर उसी तरीके से प्राइस भी एडजस्ट होगा और यहाँ पर देखिए वन रेशो वन का यहाँ परेशन पर वन रेशो वन तो यहाँ पर दो चीजें आपको एक साथ मिलती हुई नजर आएगी बोनस भी मिलेगा स्प्लिट भी मिलेगा और यहाँ पर ये जो शेयर है ना यहाँ पर एक चीज आपको लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर कितना गिर चुका है शेयर तो आपको वो उस लेवल तक तो पहुंचेगा पोचे और यहाँ पर और भी यहाँ पर अच्छा खासा भागता हुआ नजर आएगा यहाँ पर देखिए मार्केट कैप स्मॉल कैप कंपनी पहली बार डिस्कलेमर यहाँ पर स्मॉल कैप कंपनी में वॉलिटिलिटी ज्यादा होती है गिरती भी ज्यादा है और भागती भी ज्यादा है जो की अभी हमें पता चल गई है पी रेशियो की बात करें चार के पी पे मिल रहा है इतना अच्छा स्टॉक चार के पी पे मिल रहा है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ बात हो सकती है इसके अलावा इंट्रेंस वैल्यू देखिए अड़तीस

फर्मोटर हैव अपलाइजिंग 32% के बस एक नेगेटिव पॉइंट्स और बहुत सारे यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट्स है और यहाँ पर देखिए पॉजिटिव पॉइंट्स में आपको यहाँ पर दिखाता हूँ इनकी बैलेंस शीट में तो यहाँ पर सेल्स देखिए सेल्स कं यहाँ पर एक साइड बेस जोन में चल रही थी उसके बाद से अगर देखे तो यहाँ पर जून 2020 के बाद पेंडेमिक की वजह ओपन अप होता हुआ दिखाई दिया तो बढ़ती हुई नजर आई सेल्स और हाईएस्ट हाइएस्टर यहाँ पर सेल्स हाईएस्ट पर हाईस्ट एयरली बेसिस बेसिस पे, तो पे कंपनी देखिये आठ सौ बाईस ग्यारह सौ दो हजार तेईस सौ इक्कीस सौ तो, तेईस सौ उन्नीस सौ सत्तर यहाँ पर एक थोड़ा तो, सा गिरावट होती हुई दिखाई दी फिर पच्चीस सौ बत्तीस सौ और चार हजार और पिछले बारह महीने में अगर बात करें ट्रेलिंग ट्वेल्व मंथ्स में यहाँ पर फोर्टी करोड़

सेवन परसेंट के आर पे कंपनी काम कर रही है यहाँ पर सिक्सटी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट की होल्डिंग प्रमोटर्स की है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्टिकुलर पर्सन है जो कि होल्डिंग रखते हैं बस एक नेगेटिव पॉइंट है प्लेजिंग है इसमें से अगर बात करें थर्टी इसका एफ की बात करें एफ देखिए यहाँ पर बिल्कुल कम कर दी थी होल्डिंग फिर धीरे धीरे बढ़ाने लग गया और इस बार की होल्डिंग में देखिए 1.15% परसेंट की होल्डिंग है डीआईएस की बात करें, डीआईएस ने देखिए घटा दी थी फिर दोबारा बढ़ाने लग गया 0.99% परसेंट की पब्लिक की बात करें पब्लिक के पास देखिए यहाँ पर पहले तो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई ओके okay, और यहाँ पर देखिए अब दोबारा घटती हुई नजर आ रही है मतलब कंपनी में पोटेंशियल नजर आ रहा है और जब यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग घटने लग जाए ना तो समझ लीजिएगा कि यहाँ पर आ, कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है और यहाँ पर बड़े लोग यहाँ पर इस, इन शेयरों को खरीदने वाले थर्टी पॉइंट थ्री थ्री से थर्टी पॉइंट थ्री फाइव मतलब एक परसेंट यहाँ पर कम होता हुआ दिखाई दिया तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में दीजिए और यहाँ पर देखिए पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड तो यहाँ पर आप देखेंगे चार्ट पैटर्न चार्ट पैटर्न की बात करें तो देखिए ये शेयर जब मैंने आपको लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी तो उस टाइम ये थाउजेंड रुपीज के आसपास चल रहा था अपर सर्किट लग लग के देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको तो यहाँ पर दिखेगा कि अपर अपर सर्किट सर्किट लगे लग के हंड्रेड तक गया फिर उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई तो देखिए यहाँ पर नीचे आ गया और आज यहाँ पर शेयर दोबारा एक अच्छे खासे लेवल पर चल रहा है ओके और मुझे नहीं लगता कि यहाँ से ये गिरेगा बहुत बेहतरीन यहाँ पर सपोर्ट लेके ओके यहाँ पर ये कंपनी यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है लास्ट टाइम भी यहाँ पर सपोर्ट लिया था वो भी सपोर्ट लेके शेयर ऊपर भागता हुआ नजर आ रहा है मुझे और इस बार जब ये भागेगा तो यहाँ पर ये अपने प्रीवियस आई जो हम मैं आपको बता रहा हूँ तो ये प्रीवियस आई यहाँ पर इस तरीके से ये शेयर यहाँ पर निकालता हुआ नजर आएगा और ये जो इसके रिटर्न है ना 56 परसेंट मुझे नहीं लगता है एक बार इसके जब रिकॉर्ड डेट और ये सब कुछ आता हुआ दिखाई देगा तो 60 के रिटर्न तो आपको ये मिलते हुए नजर आएंगे पहली बात और दूसरी बात की अगर मैं बात करूं इसमें दो न्यूज है जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं बोनस एज एज वेल स्प्लिट देखिए यहां पर गोदावरी पावर इस इस बात तो जब इस तरीके की न्यूज आती है ना दोनों की बोनस भी मिल रहा है स्प्लिट भी मिल रहा है तो यहां पर शेयर्स बहुत तेजी से भागने शुरू हो जाते हैं और ये वो शेयर है जिसमें ज्यादा क्वान्टिटी नहीं है ओके वन लाख एटी फोर थाउजेंड शेयर्स के लगभग यहाँ पर ट्रेड हो रहे हैं तो इसमें अपर सर्किट

और यहाँ पर देखिए गिरने का मुझे नहीं लगता गिरेगा क्योंकि यहाँ पर सपोर्टिंग लेवल है एक यहाँ पर देखिए बेहतरीन मुझे नहीं लगता ये शेयर यहाँ पर गिरेगा थोड़ा सा ऊपर ही भागेगा भी है और अपर सर्किट में भागते भागते यहाँ पर बेहतरीन आपको रिटर्न देते फिफ्टी सेवन परसेंट के रिटर्न और बोनस और स्प्लिट से रिलेटेड न्यूज जिस दिन यहाँ पर ये एक्सडेट आ जाए उस दिन चुपचाप बेच के निकल जाना कोई परेशानी नहीं, नहीं है तब तक फिफ्टी सेवन और भी ज्यादा रिटर्न मिलते हुए नजर आ सकते हैं तो यही न्यूज थी और ये पर्टिकुलर शेयर कभी भी अपर सर्किट में जा सकता है तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसलिए मैंने सोचा डूरिंग द मार्केट आप लोगों को बताना चाहिए फैमिली फैमिली लाइक अ सो पर आ, यहाँ पर आप लोगों को बताना भी जरूरी है क्योंकि मैं यहाँ पर ऑलरेडी बाय कर चुका हूं तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है इस वीडियो को लाइक करना है दूसरी वीडियो को जाके यहाँ पर कमेंट करिए कोई क्वेश्चन हो तो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस